समस्त देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं महेश पारचा, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं इस देश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में जो प्रेजेंट सरकार है, इसने जो बजट पेश किया वो ऐसा बजट पेश किया है कि इसमें गरीबों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है, और किसानों के लिए भी वो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, और उन्होंने 6,000 रुपये सालाना उनको देने की घोषणा की है। लेकिन मैं इस देश के किसानों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस देश का किसान जो इस देश का अन्नदाता है, और अगर हमारा किसान ही भूखा रह जाएगा, परेशान रह जाएगा, तो इस देश के लोग त्राई त्राई हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस देश में जो भी पार्टी सरकारों में रही, उन सभी पार्टियों ने किसानों का यूज़ किया और देने के नाम पर किसानों को कुछ नहीं दिया। इसीलिए बेचारा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो जो है लोन उनके माफ़ करने की घोषणा कर देते हैं कि हम ऋण माफ़ कर देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे, वो सिर्फ घोषणाओं में रह जाते हैं। बहुत से किसानों को उनमें से कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन मैं इस देश के किसानों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस देश का किसान और इस देश का मजदूर राष्ट्रीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका देता है, और इस देश में राष्ट्रीय जनता पार्टी की केंद्र में अगर सरकार बनती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो ऋण है माफ़ कर दिए जाएंगे। दूसरा, आपको मैं चाहता हूँ कम से कम 20,000 रुपये सालाना आपको मिले, जिससे कि उस 20,000 में आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। ये 2,000-6,000 में साल भर में किसान क्या कर पाएंगे, तो एक गुमराह करने वाली बात हो गई। तो हम चाहते हैं कि इस देश के गरीब को, मजदूर को, किसानों को इस देश की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो गुमराह करती आ रही हैं, वो गुमराह करना बंद करें। और मैं किसानों से भी चाहता हूँ कि वो गुमराह ना हो, वो एक सही पार्टी का चयन करें। और कहावत है कि भूखे की दशा को भूखा जानता है। जिसने कभी गरीबी ना देखी हो वो कभी भी गरीबी का एहसास नहीं कर सकता। वो सिर्फ आप अंदाज लगा लीजिए कि वो सिर्फ बनावटी बातें हैं, तो बनावटी बातों से आप बचें। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस देश में आज तक किसान आयोग नहीं बना। अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम हमारा होगा किसान आयोग बनाने का, जिससे कि आप अपनी समस्याओं को किसान आयोग के समक्ष रख सकें, और किसान आयोग जो भी उसका चेयरमैन होगा वो किसानों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। साथियों, मैं कहने में नहीं करने में विश्वास रखता हूं। इस देश के लोग मुझे सेवा करने का मौका तो दें, मैं सिर्फ 5 साल के लिए इस देश में अपनी सरकार बनाने का लोगों से वादा चाहता हूं। और 5 साल के आप शासन में देखिए कि आपको भारत देश में बदलाव नजर आएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई, वाकई इस देश में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और उस देश के गरीब मजदूर असहाय के लिए कुछ करना चाहता है। तो साथियों, आप लोग निराश ना हो, और इस देश का किसान कभी भी अपने आप को अकेला, असहाय, कमजोर ना समझे। अगर इस देश में किसी भी किसान के साथ कोई अत्याचार, शोषण या कोई परेशानी हो सकती है, होती है, तो आप राष्ट्रीय जनता पार्टी केंद्र कार्यालय आगे संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपनी लिखित शिकायत कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका आंदोलन राष्ट्रीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जो सेपरेट हमने किसानों के लिए बनाया हुआ है, और किसान मोर्चा आपके आंदोलन को लड़ेगा। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप राष्ट्रीय जनता पार्टी के बैनर तले आएं और राष्ट्रीय जनता पार्टी को अपना पूरा सहयोग समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी।